अच्छा अब बताओ, चोट कैसे लगी? मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। मैं तो बस घड़ा लेकर के आ रही थी और टकरा के गिर गई। कुछ नहीं, बस लग गया। अब आप अपने हाथों से खाना खिला दे रहे तो दर्द भी गायब हो गया। मैंने पूछा चोट कैसे लगी। मैं आपको खिलाती हूँ। नमा, जब व्यक्ति किसी बात को टालता है तो समझ जाना चाहिए कि वो कुछ छुपा रहा है। बताओ कैसे लगी चोट। मैं बताती हूँ, दरअसल ये तुम्हारा मेला कोट धो रही थी। गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया रमा। मुझे तो लगता है गलती से नहीं, बल्कि लक्ष्मी ने जानबूझकर रमा को चोट पहुंचाई है। आई रमा ने बताया नहीं क्या भीमभाव को? अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर आते बात करने। अभी तो खाना ही खा रहे थे, हो सकता है खाना खाने के बाद बताए। बस एक बार आने दो इस भीम को, आज तो सुना ही दूंगी कि इतनी दिक्कत हो रही है तो छोड़कर चला जाए इस चाल को। हाय, अब बार बार चाल छोड़ने की बात करेंगे तो एक दिन तो सही में छोड़ना पड़ेगा। मैं अभी जाकर लक्ष्मी भाभी से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे रुकिए तो सही, वो आ रहा है। चल। लक्ष्मी, चाहे जो हो जाए, किसी भी सूरत में ये स्वीकार मत करना कि तुमने ये जानबूझकर किया है। अरे रुकिए ना, सुनिए तो। आप पर ऐसा गुस्सा अच्छा नहीं लगता, घर चलिए ना। जाने दो मुझे रमा, जानता हूँ मैं भाभी ने ये सब जानबूझकर किया होगा। हाँ जानती तो मैं भी हूँ, लेकिन उससे क्या है, तो आपकी भाभी ना। लक्ष्मी दीदी पहले ऐसे नहीं थी, अब ऐसी हो गई है। पहले मुझे कितना मानती थी वो। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों, पता नहीं आई। जाने दीजिए, चलिए आप घर। नहीं रमा, अभी जाकर बात करके आता हूँ। नहीं, घर चलिए ना। देखिए, आप अभी अभी कह रहे थे ना कि मर्द हूँ, इसलिए नहीं समझ पाता हूँ कि घर में औरतें भी बहुत सारी मुसीबतें झेलती है, तो इसे भी समझिए ना। जैसे दिन भर आपको वो नरोत्तम जोशी ने परेशान किया और आपने इसे शाम होते होते माफ कर दिया, वैसे इन्होंने भी मुझे परेशान किया, मैंने भी माफ कर दिया। घर चलिए ना। आप ना गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और बहस करने के मिजाज में तो बिल्कुल नहीं। आप वैसे अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छा लगता हूँ? वैसे कैसे? जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को समझाते हैं और बोलते बोलते ऐसे करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप पूरे संसार को रास्ता दिखा रहे। चलो घर। लो, लौट गए वो तो। चलो। कबीर ना जर्जरी कूड़े के वनहार, हलके हलके तेरी गए
बूढ़े तिनी सर राम जी, ये चिट्ठी भीम की थी, फाड़ के फेंक क्यों दिया? एक बार खोल के पढ़ तो लिया होता कि इसमें लिखा क्या है। ये देखकर भीम को कितना बुरा लगा होगा। पढ़ तो रात को ही लिया था, तुझे क्या लगता है मेरा बेटा मेरे शरीर को स्पर्श करेगा और मुझे एहसास तक नहीं होगा? बाबा, आपने मना किया था यहाँ आने से, इसलिए सीधे सीधे आपको जगा कर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आपसे विनती है, आप अपना ख्याल रखें। ऐसा नहीं है पुरंजन कि मैं भीम की चिट्ठी का सम्मान नहीं करता। भला किस बाप को यह अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बेटा उसकी फिक्र कर रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि भीम
अपनी फिक्र नहीं कर रहा है। खैर मैं तैयार होके आता हूं, काम पर चलते हैं। हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अभी? हाँ ठीक हूं, अभी बुखार भी नहीं है। इमरा, इमरा, तैयार हो कि नहीं? देखो मैं आ गया हूं तैयार होकर, आओ जल्दी बाहर। मालिक ये सुबह सुबह भीमराव को आवाज लगा रहे, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, दरअसल भीमराव और मेरे बीच एक जुगलबंदी चल रही है। भीमराव नौकरी ढूंढ रहा है और मैं उसके नौकरी पाने से पहले ही उससे नौकरी छीन ले रहा हूँ। तब तो नौकरी मिलने से रही, जिसने मालिक से दुश्मनी मोल ले ली उसे चैन कहाँ है? हितेश काका, ऐसी चापलूसी थोड़ी होती है। आप एक काम कीजिए, बाजार में जाके थोड़े फूल, अगरबत्ती और प्रसाद भी लेकर आइए। प्रसाद चढ़वाकर आरती करिए इनके। ए रमा, ज्यादा बोल रही है। और हाँ, जोगू काका से घंटी भी बजवाइए। मुश्किल यह है कि आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद ये खाएंगे नहीं ना, क्योंकि हम सब छोटे जात के हैं। फिर भी कीजिए इनकी आरती, आप सबको बेइज्जती सहते हुए आरती करने की आदत है ना, कीजिए। ना, आरती तुम्हारा पति भीमराव करेगा मेरी। क्यों भीमराव? वो दिन कभी नहीं आएगा, लिख कर रख लीजिए। चलिए मैं तैयार हूँ। अरे जीजे भाई, वो चादर ढंग से सुखाना, बहुत महंगी चादर है। क्यों राम जी, ये चादर ओढ़ का खून कौन दे रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। अभी इन्होंने खून बेचा है तो इन्हें पैसे भी मिलेंगे, तो चादर के बदले पैसे ले लेना। जा भाई, ऐसे कैसे राम जी भाव इतना महंगा चादर खरीद लिए? बताओ, मालिक खुद है कह रहे हैं कि बहुत महंगी चादर है, तो पैसा खर्चा कर दिए नहीं? हाँ महंगी तो होगी ही ना, घर में अनाज का दाना नहीं है और ये फिजूल का खर्च, बेवकूफी है और क्या। करें कुछ कर तो सकत नहीं है, बहुत गलत बात है। फिर चला चला। बस थोड़ी सी ठंड लग गई थी इसलिए ये चादर खरीद ली। निजा भाई, वो चादर ढंग से सुखाना, बहुत महंगी चादर है। महंगी तो होगी ना, घर में अनाज का दाना नहीं है और ये फिजूल का खर्च, बेवकूफी है। बाबा ऐसे फिजूल खर्च तो नहीं कर सकते, कुछ तो चादर की कहानी है और मुझे पता करना होगा। रंजन, अगर मैं अपना खून और 3 बार भेज दूंगा तो शायद हमारा काम हो जाएगा और मंजुला की चैन भी हम
जुड़वा सकते हैं, है ना? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा दिमाग वहां खराब है? एक बार तुम पहले ही खून बेच चुके हो और अपनी हालत देखी है? हाँ मैं ठीक हूं। कल मैंने हॉस्पिटल से पता कर लिया था, जो डॉक्टर कल आया था वो दोपहर के बाद आता है। अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो दूसरा डॉक्टर होगा। तू एक काम कर, तू काम पर जा, मैं अभी आता हूँ। राम जी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बेवकूफी मत करो। बेवकूफी तब हुई थी जब मैंने मंजुला से चैन लेकर गिरवी रखी थी और उन पैसों से मैंने सिर्फ भीम की किताब ही नहीं बल्कि अपना पुराना कर्जा भी चुकाया था और घर की कुछ जरूरतें भी पूरी कर ली थी। अगर उस समय भीम के किताबों के अलावा पैसे खर्च नहीं करता तो आज खून नहीं बेचना पड़ता। खैर, व्यक्ति अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उपलब्धता होने से व्यक्ति को और सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय में नहीं हुआ था। इससे पहले कि मैं आपको मेरी योग्यता बताऊं, मैं ये बता देता हूं कि मेरी जात अस्पृश्य है और ये पीछे जो खड़े हैं नरोत्तम जोशी, ये भी आगे आकर यही बताएंगे क्योंकि ये बड़ी जात के हैं और मैं छोटी जात का हूं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, काम अच्छे से कर सकता हूं। अब बताइए, आप मुझे आपके यहाँ नौकरी देंगे? वैसे तुमने पहली बात बहुत अच्छे से कही है, एक बार फिर से कहना। तो पहले बताए या बाद में बताए, अस्पृश्य अस्पृश्य ही रहेगा ना, हाँ? लोग वैसे ही धक्के मार कर निकालेंगे इसे, क्यों भीमराव? वैसे ये स्वीकार करते हुए मुझे सुनना अच्छा लगा कि एक पढ़ा लिखा भी समझता है और कहता है कि अस्पृश्य है और यही हमारी सामाजिक संरचना की जीत है। और अगर तुम यही बात दिन भर यहाँ खड़े होकर कहते रहोगे तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूँ। धन्यवाद, लेकिन आपकी ये नौकरी मैं नहीं कर सकता। क्या फायदा निकले थी मेहनत का, हा? कल मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए परेशान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलिए और भी जगह जाकर नौकरी ढूंढनी है, लेकिन अब से मैं खुद को ऐसा व्यक्त नहीं करूंगा जिससे मेरी जात मेरी कमजोरी लगेगी। अब चाहे मुझे नौकरी मिले या ना मिले, मेरी योग्यता और मेरी जात मिलकर मेरी ताकत बनेगी। भीमराव सुनो तो, अरे देखो चाय नाश्ते की दुकान है, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं साथ में, हाँ? बाकी फिर तुम भी सोच लो कि नौकरी कैसे ढूंढनी है। मैं तो हूँ ही भीमराव तुम्हारी नौकरी के भंडाधार के लिए। गुरुजी। भीमराव। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम। भीमराव कॉलेज में परीक्षा का फॉर्म निकला है, तुम तो कॉलेज आ नहीं रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही मिलकर तुम्हें बता दूं। मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था,
अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गुरुजी, ये परीक्षा का फॉर्म कितने रुपए का है? मतलब 1.5-2 रुपए का? 1 रुपए का है। यही तो झोल है गुरुजी, पैसे नहीं है इसके पास। सुबह से बेचारा अपनी योग्यता का ढोलक बजा बजा के नाचने का प्रयास कर रहा है लेकिन जात की मार से ढोलक फट जा रही है। कैसे लेगा परीक्षा का फॉर्म गुरुजी? भीमराव, अगर ऐसी बात है तो परीक्षा का फॉर्म मैं अपने पैसों से भर देता हूं। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ, भीख भीख देते रहिए इसे, तभी इसकी अकड़ जिंदा रहेगी, वरना बाकी भ्रम तो मैं तोड़ ही रहा हूं। नहीं गुरुजी, आप मत भरिए मेरे पैसे। 3 दिन का समय है ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तब तक नौकरी मिल गई तो भर दूंगा फॉर्म, नहीं तो। और वैसे भी जब तक मंजुला दीदी की गिरवी चेन छुड़ाने के पैसे नहीं कमा लेता हूं, तब तक किताब नहीं छूऊंगा। चलता हूं गुरुजी। गुरुजी, आराम कीजिए, क्लासेस लीजिए, पैसे वैसे कमाइए। कहाँ एक छोटी जात के लड़के को परीक्षा में पास करवाकर वायसराय बनवाना चाहते हैं? रुत्तम जोशी, जब कोई व्यक्ति किताब और विद्यालय की परीक्षा में फेल हो जाता है ना, तो वो उससे उबर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति जीवन की परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो उसे जीवन पर्यंत उबर नहीं पाता। और जो तुम कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि तुम अपनी जीवन की परीक्षा में फेल होने वाले हो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें गलत रास्ते पे चलने से रोकूं। ये मेरा तुम्हें सुझाव है, लौट जाओ अपने घर और भीम को इसके हाल पे छोड़ दो। डॉक्टर साहब, मुझे खून बेचना है। नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर साहब, मुझे भी खून बेचना है। आपको भी? जी रंजन, मैंने तुम्हें काम पर जाने के लिए कहा था। बाहर में गया काम, यहाँ मेरा दोस्त खून बेच रहा है और मैं वहां पर बैठकर मछलियां पकड़ू? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, यदि मेरा दोस्त खून बेचेगा तो मैं भी बेचूंगा, मेरा भी खून निकालिए। डॉक्टर साहब, मुझे भी खून बेचना है। रमा, तुम यहां? हाँ। अगर मेरे बाबा खून बेच सकते हैं और मेरे काका खून बेच सकते हैं तो मैं भी खून बेचूंगी। देखो बेटी, तुम मेरी बहू हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? करना तो आपको भी नहीं चाहिए था। पर आपका बेटा भीमराव, वो आपकी नजर में काम करता हुआ गलत है, मेरी नजर में आप दोनों का ये काम करना गलत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा खून निकाल लीजिएगा। नहीं, ये नहीं होगा। फिर ये भी नहीं होगा कि आप दोनों खून देंगे? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। मिल बैठ के जो भी समस्या है उस पर बात करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। बस समाधान आप लोग निकाल लें, फिर आ जाइएगा।
चलिए